हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो जी, मैं आई हूँ गौरी को सुहा के डूब में बैठ गई। मुझे ठंड लग रही थी तो गौरी को जो है अंदर कंबल में सुहा के आई हूँ, और इसके डैडी भी जो है सो गए। और जो है ना, सारी वीडियो डिलीट होगी, मैं अपलोड सेव करने वाली थी, और मेरे फ़ोन में जो है मेमोरी ना बहुत ही ज़्यादा फुल हो रही थी, तो इसमें काफ़ी जो है वीडियो भरी हुई थी कुछ खास ही, तो इनकी वजह से उन्हें बचाने के चक्कर में भी तो ही डिलीट, और वीडियो भी होगी जो मैंने डालने के लिए बनाई थी सुबह गंगा स्नान की सुबह। तो जी, आप सभी को सबसे पहले गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारे और हमारे बच्चों की ओर से। तो जी, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। तो यहाँ धूम में ना कभी नहीं खुली, और जो है मैंने खाना बना लिया है। खाने में बनाए हैं आलू गाजर, और अभी जो है चूल्हा ऐसे ही पड़ा हुआ है ठंडा होने के लिए, छोड़ दिया मैंने, तो चूल्हा लीपना बाकी रह रहा। उसके बाद में जो है करेंगे बाकी का काम। तो पशुओं को चारा करना है तो वो भी करेंगे, क्योंकि अभी जो है लाइट आई है, अभी जो पशुओं का चारा काटेंगे, क्योंकि सुबह शाम लाइट में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार आ रही थी और बार बार भाग रही थी, और कपड़े भी धुलाई कर दी मैंने, कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पर। और देखो जी, कैसा मौसम हो रहा है, गुबला गुबला सा बारिश जैसा मौसम बना, और अच्छी हवा चल रही। अब गर्मी में हवा की ज़रूरत पड़ती तो गर्मी में तो चल नहीं थी, और अब सर्दी में ठंड होने लगी तो हवा भी चल रही। और सारी जो है हमारी पूरी छतरी में बची हुई है, क्योंकि कल ना इतनी छेद का था, कान सी हो रही थी, तो इस वजह से कुछ भी करने का मन नहीं था। और अब जो है पशुओं को चारा करने का टाइम होगा 2 बजे के, 2 बजे जो है अब काम निपटा है। और सुबह ही जो है गंगा स्नान था, तो हमारे यहाँ पे जो है खिचड़ी बनती है कल दाल की या उड़द की, तो बनाई थी पहले नाश्ते में, फिर नहा धो के पूजा वूजा करके सारे को पोचा वोचा लगा के, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो दिखाई नहीं जाते, साफ सफाई वगैरह। घे फिर पशुओं का जो है घेर में गोबर ओबर पात का ही, गुस्से खड़े कर का ही, और भी गोरी को भी रखना, और ठंड से भी। और आज तो इतना ज़्यादा कोहरा था सुबह कि हद हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। 10 बजे तो कमरा से बाहर हुए सुबह ही नाश्ता बना के, और फिर रजाई में जो है लेट के थे कंबल में अपने, मैं गौरी मैं तरुण हम चारों पांचों, क्योंकि वंदा के डैडी खेत में जा लिए थे, अभी तरुण की मम्मी भी। और फिर हमने सोचा रजाई में बैठ के अपना गप्पे लड़ा रहे, वहीं पे फ़ोन देख रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे हम चारों पांचों बच्चे बैठ के। अब जो है बहुत ही जो है आलस्य आ रहा है, तो पशुओं को जो है चारा करना। धूप इस टाइम पे इधर आ चुकी है, और ये देखो मौसम। और अब मुझे वंदना के डैडी को जाके उठा देती हूँ, क्योंकि घास काटेंगे तो तभी घास होगा। और ये देखो जी तुलसी, मैंने ये तुलसी का पेड़ लगाया था, उसके पाले से बचाने के लिए ना रात को ढकना पड़ा है, कभी ये पाला से मार दे, इसे अंदर रखूँगी अब यहाँ से, क्योंकि अब जो है ना ठंड पड़ने लगी और इस पर पाला पड़ जाएगा ना तो ये सूख जाएगा, इस वजह से मैंने इसे धूप में धूप लगने के लिए रखा है, तो धूप भी ज़रूरी। और अब मुझे चूल्हे में चौका लगाना है सबसे पहले, इसे लीप दे तो हारे में रख रखा है दूध। तो जी, आपके कमेंट्स का जवाब मैं देना तो नहीं चाहती और ना ही देऊंगी, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जो है आपको हमारी परवाह है, इसलिए आप जो है हमें कमेंट्स करके बार बार पूछते हो कि क्या हुआ है आपको क्या नहीं, तो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे, और ये बात भी नहीं है कि हम आपको अपनी फैमिली नहीं समझते, तो आपको आप सभी हमारी फैमिली हो, ये ऐसी बात नहीं है। तो जी, सोशल मीडिया पर जो है हम अपनी घरेलू बात डाल के
उसके कोई कुछ बोल लेगा, कोई कुछ बोल लेगा, कोई कुछ बोल लेगा, तो इसीलिए जो है हम इसलिए नहीं बताना चाहते। और जो है इस जो है यूट्यूब पर डालने से तो जो है इस बात का सलूशन नहीं होगा। सलूशन तो हम सब का मिल बैठ के और सुलझाने से ही सुलझेगा, मिल बांट के ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होने का। और काम तो ये है कि भाई चलता ही रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में। और एक का कमेंट छाड़ता है कि ये तो हंस हंस के बात कर रही है और ये कर रही है वो कर रही, तो भाई पूरा दिन रो के भी काम नहीं चलने का। तो छोटे बच्चे छोटे के बच्चों के साथ में हंस के भी बात करना पड़ेगा, रो के भी खिला के भी सब कुछ जो है करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन जो है मायूसी से मुँह करके बैठ रहेंगे और बच्चे भी रोते रहोगे, ऐसा तो बच्चे भी नहीं वो होने के। और जब जो है एक सदस्य जो है उदास रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन जब सभी एक स्थिति में आ जाएंगे तो ऐसे तो जो है ना कोई खाएगा पिएगा, ना ही घर परिवार चलेगा ऐसा। तो इसलिए थोड़ी सी बस यही बात है और कुछ नहीं। तो चोट तो लग रही है हमारा सबके ही, तो वो मैं आपसे नहीं बता सकती कि ऐसे लगी, किसने मारी किसने नहीं। तो जो है बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक, और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स फटाफट से हमारे 5,000 सब्सक्राइबर करा दो। तो देखते हैं जो और यहाँ पे जो है मैं लग गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए, तो क्यों मेरा काम पड़ा हुआ था। तो ये है एक दिन पहले का व्लॉग, तो मैंने इसको भी जोड़ दिया क्योंकि मेरी वीडियो ना डिलीट हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको बताना चाहते, बता तो दें। कुछ लोग तो ऐसे है कि बात का सही मतलब निकाल लो, कुछ लोग ऐसे है एक बात की चढ़ा कर कुछ और जो है उसका उल्टा मतलब निकाल दे, तो इसलिए नहीं शेयर करना चाहते ना ही बताना चाहते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा व्लॉग तो मैंने इतनी सी बात चोट की भी इसलिए शेयर की थी कि आप लोग ये बोले थे आपको 2 दिन हो लिए व्लॉग नहीं आया, तो इसलिए मैंने बता दिया था हम लोगों के जो है चोट लगी हुई है। तो एकदम से तो भाई जो है चोट ठीक नहीं होने की, क्योंकि बंदा के डैडी के सिर में टाँके आया हुआ है और मैं तो खुद ही पहले से ही जो है परेशान हूँ बीमार हूँ, तो इसलिए मुझे जो मैं अपनी केयर करूँगी तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से खाना भी दे पाऊँगी, अपने हस्बैंड की भी केयर कर पाऊँगी, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाने की।